क्या आप शीशे को पोंछकर 3 लाख रुपए महीने कमाना चाहते हो? एलेक्सा जो कि एक एआई असिस्टेंट है, उसने एक लड़की को चार्जर को प्लग में लगाकर मेटल पार्ट को छूने क्यों बोला और रात को 3 बजे हंसती क्यों है ये? राइट ब्रदर्स जो कि प्लेन को इन्वेंट किए थे, वो जब इतना बड़ा इन्वेंशन किए, प्लेन को हवा में ले गए, पूरी दुनिया ने उनका तारीफ किया, उनके पापा ने उनको क्यों डांटा आखिर? और चाइना में एक प्लेन टेक ऑफ के पहले एक पैसेंजर जेट इंजन में 9 कॉइन क्यों फेंक दिया और प्लेन में जाके क्यों बैठ गया भला? और बिल्ली रास्ता काट दे तो इसको अशुभ आखिर क्यों माना जाता है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। वीडियो को लाइक कर दो अभी और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि एनिमल किंगडम में कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होने के कैपेबल होती है? इसका एक चार्ट होता है। आपको पता है जो डोमेस्टिक कैट्स है, बिल्लियां, उसका कोई बच्चा निकलेगा बिल्ली का, तो वो बच्चा जब सिर्फ 4 महीने का होगा तो वो 4 महीने का बच्चा प्रेग्नेंट हो सकता है। उनका ब्रीडिंग मैच्योरिटी टेक्निकली जो बोलते हैं वो 4 महीने में आ जाता है। आपके मन में अगर इंसान का क्वेश्चन आ रहा होगा तो वो 5 साल है। इस दुनिया में सबसे यंगेस्ट कोई फीमेल प्रेग्नेंट हुई है वो लीना मेडिना के पास है, 5 साल 7 महीने और 21 दिन। सरप्राइजिंगली लीना के फादर को ही अरेस्ट किया गया था लेकिन लैक ऑफ एविडेंस के चलते उसको रिलीज कर दिया गया। अब ये किस तरह से क्राइम के थ्रू हुई या फिर कैसे हुई ये किसी को नहीं पता। फैक्ट नंबर 8, अगर किसी ट्रेन को 500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है तो वो 8 घंटे लेता है। कार से भी अगर आप कहीं पे 500 किलोमीटर दूर जा रहे हो सिटीज के अंदर तो 6 से 7 घंटे लग जाते हैं नॉर्मल स्पीड में। 2020 में एक केस आया जिसमें एक इटालियन पुलिस ने एक जरूरतमंद जिसको की किडनी चाहिए था अर्जेंट, पुलिस ने उसके लिए डिलीवर किया अपने लैम्बोर्गिनी हरिकेन गाड़ी में और वो डिस्टेंस था 480 किलोमीटर का, लेकिन उसको ये कहा गया था कि ये कभी भी मर सकता है, सिर्फ 2 घंटे में नई किडनी की जरूरत है। उसने उस लैम्बोर्गिनी हरिकेन से ड्राइव करके 233 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लैम्बोर्गिनी हरिकेन को ले गया और उस इंसान के पास किडनी डिलीवर किया। रोम से लेके पैडुआ तक ये घटना लैम्बोर्गिनी हरिकेन का एडवर्टाइजमेंट की तरह लग रहा है ना, लेकिन ये ट्रू है। लैम्बोर्गिनी के इंजन्स। फैक्ट नंबर 7, एक ऑस्ट्रेलियन बैंड है पेकिंग डक, वो स्टेज शो परफॉर्म करती है। अब एक दिन इनके साथ बहुत अजीब सी घटना हुई, आप लोग को भी मजा आ जाएगा। बैक स्टेज कुछ लड़के आए, यानी स्टेज शो देखने नहीं बल्कि बैक स्टेज उनके रूम में आए, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे। अब वो लोग सिक्योरिटी गार्ड को कहें कि जो सिंगर लीड गा रहा है ना उसी का फैमिली मेंबर है, हम घुसने दो हमें, ऐसे बोले। गार्ड ने फिर भी यकीन नहीं किया, फिर उसने बोला कि अब वो तो शो करने में बिजी था, बीच में उसको इंटरप्ट कर नहीं सकता था, तो सिक्योरिटी गार्ड को किसी तरह कंफर्म करना था कि ये फैमिली मेंबर है कि नहीं। अब परिवार का आदमी है, नहीं घुसने दिया तो इसका भी एम्बैरेसमेंट होगा बाद में, लेकिन फिर इसके मन में रिस्क आ रहा था कि ये लोग एक्चुअल में मेंबर नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, सोच रहा था वो गार्ड, कंफ्यूज्ड था। फिर उन लड़कों ने विकिपीडिया खोल के दिखाया कि अरे बाबा देखो विकिपीडिया में सिस्टर कजन सिस्टर क्या क्या नाम लिखा हुआ। विकिपीडिया पेज गार्ड के टैब में ओपन करके दिखाया गूगल से, बोला कि गूगल में जाओ उसके ऑफिशियल विकिपीडिया पे देख लो क्या नाम है और हमारा आईडी देख लो, नाम मैच कर रहा है, हम ही है वो, जाने दो। उसने उन्हें जाने दे दिया अंदर। थोड़ी देर बाद शो खत्म हुआ, फिर वो नीचे आया ड्रेसिंग रूम में, फिर बाद में ये पता चला कि वो लड़के जस्ट फैन थे और मिलने आए थे, लेकिन उस बात से वो बैंड जो था वो अपसेट नहीं हुआ, उसके लोग सब हाथ मिलाए, मस्त मस्ती किए, इनफैक्ट साथ में बियर भी पिए वो लोग उसी रैंडम फैन के साथ, कोई कंसर्न नहीं था, एक ट्रू फैन और एक आर्टिस्ट मिल रहा था। अब यहाँ पे सवाल ये है कि कैसे घुस गए, अब किसी का भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको कैसे चेंज कर दिए। भारत सरकार का वेबसाइट है, मान लो कि किसी ने हैक कर लिया, कुछ भी दिखाने लगा, ये संभव है, तो वो कुछ भी शो कर सकता है किसी को भी, लेकिन जनरली हैकिंग नहीं हो पाती है, बहुत टाइट सिक्योरिटी रहती है। लेकिन विकिपीडिया एक पब्लिकली एडिटेबल वेबसाइट है, कोई भी उसमें एडिट सजेस्ट कर सकता है और वो जानकारी को एडिट कर सकता है। और 2015 में ये, हालांकि अभी अगर आप एडिट करने जाओगे तो आपकी अच्छी से वेरिफिकेशन होगी कि आप कौन हो क्या करते हो और आप एडिट कर पाओगे, वो अप्रूव होगा तब शो होगा, लेकिन 2015 में इतना टाइट रेगुलेशन नहीं था विकिपीडिया का, कोई भी आके कुछ भी एडिट कर देता था, डेंजरस था बहुत। तो उसी को एडिट करके इसने अपना नाम डाल दिया था ताकि बस उसको बैक स्टेज पे एंट्री मिल जाए, ताकि पर्सनली वो मिल पाए। इनफैक्ट एक ऐसा व्यक्ति है स्टीवन प्रूट नाम का, इस व्यक्ति ने लगभग
5 मिलियन विकिपीडिया एडिट्स किए हैं। इसको वर्ल्ड का विकिपीडिया मास्टर कहा जाता है, 5 मिलियन एडिटिंग। लेकिन विकिपीडिया ने इनको स्पेशल प्रिविलेज दे के रखा है क्योंकि ये जो भी आज तक एडिट किए हैं सब प्रॉपर वेरिफिकेशन और ट्रूथ को एडिट किए हैं। 2004 में विकिपीडिया में एडिट करना, जानकारी को बस अपडेट करना, वर्ड्स को बदलना, यही जॉब है इनका, तब से लेकर यही करते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 6, आपको मैं एक बहुत ही यूजफुल रूल के बारे में बता देता हूँ, 20-20-20 रूल। ये रूल आपके आंख को लॉन्ग टर्म में सेव कर सकती है। ये रूल ये कहता है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर मोबाइल स्क्रीन देख रहे हो या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस यूज कर रहे हो तो इसको हम अक्सर लगातार देखते रहते हैं, आधे घंटे एक घंटे तक, पता भी नहीं चलता कि टाइम कैसे निकल गया मोबाइल इस्तेमाल करते हुए। अब क्या है कि हर 20 मिनट पे, हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए आपको दूर देखना चाहिए। और कितना दूर? 20 फीट दूर। 20 फीट एक एवरेज सा लेंथ होता है, उतना दूर, मतलब हर 20 मिनट पे 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर देखो ताकि आपका आंख स्ट्रेन्ड ना हो। कहा जाता है कि जो लोग ये 20-20-20 रूल फॉलो करते हैं उनका आंख लाइफ टाइम तक हेल्दी रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल। आंख कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये ना रहे तो सोचो आप देख नहीं पाओगे, दुनिया का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आंख इतना इंपॉर्टेंट है। आई लव यू आंख। और आंख का हेल्थ का अवेयरनेस बहुत कम है लोगों में, इसलिए मुझे पता है कि आप में से 10 में से 3-4 लोगों का चश्मा तो लगा ही होगा। अगर आपका चश्मा नहीं लगा है, आपका आंख हेल्दी है ना, तो आप लकी मानो खुद को। आईवीआर इंडस्ट्री के डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 64% ऑफ द एडल्ट्स चश्मे के शिकार है, चश्मा लगाना पड़ता है उनको। 64% मतलब आधा से ज्यादा, मतलब अगर आपका चश्मा नहीं लगा है तो आप खुश हो जाओ भाई। फैक्ट नंबर 5, ये एक बहुत ही डरावना फैक्ट है, ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और ये कुछ AI आजकल का जो मशीन लर्निंग आ रहा है उसी से रिलेटेड है। 2021 में एक 10 साल की लड़की, पहले आप मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिकल्स देख लो इस घटना से रिलेटेड, वो ये था कि 10 साल की एक लड़की एलेक्सा को कही कि एलेक्सा, बच्चे ऐसा कही होगी, एलेक्सा मुझे कुछ चैलेंज दो ना जो मैं कर पाऊं। बच्चे लोगों को चैलेंजेस वगैरह पसंद होते हैं। तो फिर एलेक्सा ने कहा, पता है क्या, फोन का चार्जर लो और चार्जर को सॉकेट में आधा घुसाओ ताकि थोड़ा सा आधा रहे, और स्विच को ऑन कर दो और एक क्वाइन लो और उसके मेटल पार्ट से टच करो जाकर, यह है तुम्हारा चैलेंज। अब ये सुन के उस बच्चे को अजीब लगा। तभी 2 मिनट बाद उसने मम्मी को ये बात बताया तो उसकी मम्मी शॉक्ड हो गई। उसके मम्मी ने पब्लिक को ये बात बताया, ऑनलाइन पोस्ट किया। फिर अमेज़न ने पब्लिकली अपोलोजाइज किया कि एलेक्सा ने कुछ ऐसा किया है, ऐसा घटिया चैलेंज दिया है। फिर बाद में उसकी मम्मी ने कहा भी कि मेरी बेटी स्मार्ट थी कि उसने मुझे बताया, वो उतनी स्टूपिड नहीं थी कि ऐसा कुछ काम कर सके, उसको पता था कि शॉक इलेक्ट्रिक लगता है ऑन करने के बाद, उसके दिमाग में ये था। लेकिन वो स्मार्ट थी, लेकिन दुनिया में और भी तो बच्चे हैं, कई 8-9 साल के बच्चे हैं जो कि शायद जो बोले वो कर दे। बच्चों का दिमाग में थोड़ी इतना लॉजिकल एबिलिटी होता है, वो तो रैंडमली बहुत कुछ कर देते हैं। तो जब ये ऐसा कुछ हो तो ये तो बहुत डेंजरस बात है, इसके लिए तो अपोलोजाइज करना ही चाहिए। अमेज़न ने किया अपोलोजाइज और फाइनली एक सॉफ्टवेयर अपडेट से तुरंत अमेज़न के एलेक्सा को अपडेट करवाया। ऐसा लेकिन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, बहुत डेंजरस है। और ये मशीन्स तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बन रही है आजकल, AI सब। अरे लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, कंप्यूटर ऑन होके मार ना दे, ना ना तू अच्छा है मशीन। फैक्ट नंबर 4, आप इस फोटो को देखो, क्या दिख रहा है आपको, जल्दी बताओ। 5 सेकंड दूंगा, 5, 4, 3, 2, 1। आपको पता चल गया होगा कि ये एक फोटो है जिसमें, जूम करो इसको देखो, बहुत सारे वर्कर्स विंडो को वॉश कर रहे हैं। अब ये भी एक एक्चुअल जॉब होता है, अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज में हाई राइज बिल्डिंग 50-70-100 फ्लोर्स की होती है, उसका तो विंडो होता है और विंडो में डस्ट जमा होता है, उसको तो साफ करना होगा, मेंटेन करना होगा, तो ये भी एक जॉब का फील्ड है। वैसे आप लिस्ट देखो विकिपीडिया का ऑफिशियल लिस्ट, बुर्ज खलीफा में 163 फ्लोर्स है, शंघाई टावर में 128, गोल्डन फाइनेंस 117, चाइना में एक बिल्डिंग है 128 फ्लोर। ऐसे करते करते आप सारा देख सकते हो, लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स विथ मोस्ट फ्लोर्स। अब यहाँ अमेजिंग फैक्ट तो ये है कि इनकी सैलरी कितनी है, एवरेज इंडस्ट्री सैलरी कितनी होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ग्लास डोर जो कि एक जॉब डेटा वेबसाइट है उसमें देखो इनका एवरेज सैलरी $48,676, यानी महीने का 3,33,000 रुपए इनका सैलरी होता है। फैक्ट नंबर 3, साल 2017 में एक अजीब सी खबर आई, शंघाई चाइना के एयरपोर्ट पे एक प्लेन
ना 5 घंटे डिले हो गई। ट्रेन के लिए तो नॉर्मल बात है यारो 5-6 घंटा डिले होना, लेकिन प्लेन के लिए 5 घंटा डिले होना ऐसा कैसे? बहुत ही अजीब सी चीज हुई थी। प्लेन को जब उड़ाने के लिए पायलट बैठे तो वो बैठने के बाद देखे कि एरर दिखा रहा है जेट इंजन में, और एरर में लिखा हुआ था अननोन एरर। प्लेन में छोटी सी छोटी मैल फंक्शन हो उसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है स्क्रीन पे कि ये है कोड ए कोड बी, ऐसा कोडेड होते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। लेकिन इस केस में वो एरर अननोन था। क्या हुआ? सीसीटीवी देख के ये पता चला कि ये एक सुपरस्टिशियस व्यक्ति के चलते हुआ था, यानी एक अंधविश्वासी व्यक्ति के चलते हुआ। ये था कि बहुत सारे पैसेंजर्स टेक ऑफ के पहले बैठने जा रहे थे जैसे हर कोई बैठता है, लेकिन एक पैसेंजर आया और कॉइंस को लेके जेट में फेंक दिया। अब कॉइंस को फेंकना ये बहुत जगह पर शुभ माना जाता है, जैसे कि बहुत लोग वाटरफॉल पे कॉइन को दान करते हैं, आपने देखा ही होगा, चाहे वो लंदन हो या अमेरिका हो या इंडिया हो। ऐसे लोग का एक जनरल हैबिट है कि कोई अगर फाउंटेन है या फिर कोई धार्मिक जगह है तो वहां पे कॉइंस को लोग फेंकते हैं, वहां पे कॉइन इकट्ठा हो जाता है, पूरी दुनिया में ये प्रचलित है। तो वो इंसान यही काम प्लेन में किया, प्लेन के जेट के अंदर कॉइन फेंक दिया और अपने गॉड से प्रे किया कि हमारा जर्नी शुभ हो। ये एक्चुअल में हुआ है, बिलीव नहीं होता है तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया आर्टिकल देख लो इसी घटना से रिलेटेड। 9 कॉइन्स को फेंका था उसने, एग्जैक्टली बोलू तो 9 कॉइन्स को, 9 कॉइन को फेंका था उसने, उसमें से 8 कॉइन इधर उधर जाके जमा हो गए। मतलब अगर प्लेन चलता भी तो उससे फर्क उतना नहीं पड़ता, लेकिन एक कॉइन जेट इंजन के कोर पार्ट में चला गया, यानी मेन पार्ट में, जिसके चलते ये मैलफंक्शन हुआ और जिसके चलते एक फ्लाइट 5 घंटे लेट हुई। और इस घटना के बाद भी ऐसे कई लोग हैं जो कि पाए गए हैं ऐसा काम करते हुए, प्लेन में बैठने के पहले इंजन के अंदर कॉइन फेंकना। कहां से सिखाया रे भाई सब कोई। उसके बाद ट्विटर में लोग कमेंट करने लगे कि ग्रैंडमा दिस इज नॉट योर विश फाउंटेन विद टर्टल्स, थोड़ा तो ध्यान रखो। बहुत लोग पाए गए उसके बाद भी जो कि कॉइन फेंक कर जाके प्लेन में बैठ जाते हैं और टेक ऑफ को वेट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, राइट ब्रदर्स ने प्लेन को इन्वेंट किया था। ऐसा कहा जाता है कि भारत में प्लेन की टेक्नोलॉजी बहुत पहले से डिस्कस होते आ रही है। शिवकर बापूजी टल पड़े, शिवकर बापूजी करके एक वैज्ञानिक थे, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने राइट ब्रदर्स के पहले ही इन्वेंट कर दिया था प्लेन को। अब ये तो एक थ्योरी है, इसके बारे में और रिसर्च करनी होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब राइट ब्रदर्स ने प्लेन को ऑफिशियली दुनिया के सामने उड़ाया था तब वो साथ बैठ कर उड़े थे, लेकिन उसके बाद जब इतना बड़ा इन्वेंशन करके आए पूरी दुनिया से उनके अप्लॉज मिला कि तुमने पहला डॉक्यूमेंटेड स्पेस क्राफ्ट दिया है दुनिया को। बात यह है कि ये होने के बाद भी उसके डैड उसके पापा खुश नहीं थे। वो लोग आए उसके पापा डांटने लगे वो लोग को, पता है किस लिए? उसके पापा ये कहे कि आपसे तुम लोग दोनों ये जो भी चीज है जो हवा में उड़ती है इस पे दोनों एक साथ नहीं बैठना, अगर ये गिरी क्रैश हुई तो मैं दोनों बेटों को खो दूंगा, एक साथ कभी मत बैठना, ये उसके पिताजी ने उनको कहा। अब आते हैं उस बात पे कि भारत पहले ही फ्लाइट इन्वेंट कर दिया था, तो ये तो अभी की बात है शिवकर जी की, लेकिन आज से अगर हजारों साल पहले चल जाए तो हमारे कई एंशिएंट किताबों में भी विमान का जिक्र है। इसका मतलब जो नोन इतिहास हमें दिख रहा है इसके पीछे भी एक मिस्टीरियस इतिहास था जो कि लुप्त हो गया है। बहुत लोग अभी उन किताबों को सीरियसली नहीं लेते। प्लेन ही नहीं, ऐसे कई इन्वेंशन है जो कि ऐसा माना जाता है कि भारत से वेस्टर्न कंट्रीज ने चोरी किया है। फैक्ट नंबर 1, आपने बचपन से ये सुनते आया होगा कि बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो आपको आगे नहीं जाना चाहिए, और ये मान्यता अभी की नहीं है या फिर 200 साल पहले की नहीं है, 400 साल पहले की भी नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी मान्यता है। तो ऐसा क्या है इस बात में, इस सुपरस्टिशन यानी ये जो अंधविश्वास है कि बिल्ली रास्ता काटे तो आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है? नॉर्मली जितने भी साइंस स्टूडेंट्स है और मॉडर्न दुनिया में जो रहते हैं वो लोग विज्ञान पे बिलीव करते हैं, सुपरस्टिशंस स्टूपिड होते हैं, लेकिन आप ये चीज सोच के देखो कि लोग क्या किसी ऐसी चीज को मानेंगे जो कि प्योरली कोई काम का नहीं हो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज के पीछे लॉजिक कहीं ना कहीं होता है, तभी वो चीज हमारे दुनिया में एग्जिस्ट करती है। जो चीज यूजलेस है इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, उसको इंसान साइड कर देता है डीपली स्पीकिंग। तो अगर कोई चीज है मतलब उसके पीछे रीजनिंग है, तो ये जो सुपरस्टिशन है कि कैट अगर रास्ता काट दे आप कहीं जा रहे हो तो आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसके पीछे का मोस्ट अवेटेड लॉजिक आपको मैं बताऊं तो वो ये है कि बिल्लियां चूहों को खाती है, ये तो आपको पता ही होगा। अब क्या होता था कि चूहे जो है ये बहुत सारी बीमारियों का जड़ होते हैं। चूहों के अंदर बहुत सारे नोवेल वायरस इतिहास में वक्त वक्त में पाया गया है। चूहे वायरसेस को स्प्रेड करते हैं और वायरसेस म्यूटेट होके फैलने लगते हैं, और उस टाइम दुनिया मेडिकली उतनी एडवांस्ड नहीं थी,
हॉस्पिटल वगैरह आज जितने हैं उतना नहीं होता था पहले, और वो इन्फेक्टेड चूहों को खा लेती थी तो बीमारी फैलने लगती थी एक से दूसरे जानवर में, और बिल्लियों से एक नया वायरस आना, म्यूटेटेड वायरस आना और महामारी फैलने का डर होता था। और यही कारण है कि जब कोई जा रहा है और जंगली बिल्ली सामने आ जाए तो उसको अशुभ माना जाता था, क्योंकि वो पोटेंशियली प्लेग को जन्म दे सकती है, महामारी को जन्म दे सकती है। कभी कभी कीड़े मकौड़े, चूहो, बिल्ली, मच्छर, जानवरों से जो बीमारी आती है उसको वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन कहा जाता है। और बीमारी ना फैल जाए इसलिए बिल्ली का आना, स्पेशली जंगली बिल्ली का, और वो भी वाइल्ड कैट, जो कि रात में तभी सामने आती थी जब कोई ब्लॉक कार्ट, पहले बैलगाड़ी हुआ करता था, तो उसके सामने आने पे महामारी ना आ जाए, यही कारण था इसका। ये था पहला लॉजिक, लेकिन इसका दूसरा साइड भी आपको जानने की जरूरत है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग सुपरस्टिशन कैसे बन गया। दूसरा कारण ये है, जब लोग बैलगाड़ी से जाते थे एक शहर से दूसरे शहर, बहुत पहले की बात है, तब अक्सर रात को जंगलों से जाना पड़ता था सैनिकों और बाकी लोगों को। तब ज्यादातर लोगों के पास गन नहीं होता था, और बाकी लोकल वेपन्स होते थे, वो लोग लेके जाते थे कि अगर जंगली जानवर बीच में आ गया कोई तो उसको मार देंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पुराने जमाने में लोग बैलगाड़ी से जाते थे भाला लेके प्रोटेक्शन के लिए, ताकि जंगली जानवर आ जाए तो उसको मार दे, तो इसमें बिल्ली कहां से आई? आप ये सोच रहे होंगे कि बिल्ली का इसमें क्या रोल है। रोल यहां आता है, सुनो, बिल्ली और बाकी जितने जानवर है उसको शेर और बाकी जो एग्रेसिव जानवर हैं वो बिल्ली को खाने दौड़ के उसके पीछे आते हैं। तो अक्सर जब कोई बिल्ली पार होती थी, जंगली बिल्ली, तो पोटेंशियली ये हो सकता है कि उसके पीछे कोई एग्रेसिव जानवर, बियर या फिर कोई ऐसा जानवर हो, उसके पीछे आ रहा हो जो कि इंसान के लिए खतरा हो। तो कभी कभी ऐसा होता था कि बिल्ली पार हुई और इंसान जा रहा है, पता चला कि शेर उसको चेज कर रहा था बिल्ली को, तो जो ब्लॉक कार्ट में आगे बैल होते थे उनको भी आके शेर मारने लगता था और इंसानों पे भी हमला करने लगता था। इसलिए ऐसा मान्यता हो गया कि बिल्ली रास्ता काट दी तो वहीं पर रुक जाओ, वेट करो, शांत हो जाओ, साइड हो जाओ, जंगली जानवर को पार होने दो, ऐसी बिलीफ बन गई। तो ये दो कारण थे जिसके मिक्सचर के चलते आज तक ये माना जाता आ रहा है कि बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये अशुभ है। आई होप इसके पीछे की कहानी जानने में आपको बहुत मजा आया होगा। तो ये था आज का वीडियो, आई होप सारे फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।